2 अक्टूबर गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में गौतम बुद्ध नगर को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का संकल्प जताया गया है। इसी श्रृंखला में सेक्टर 94 में महामाया फ्लाईओवर के समीप प्लास्टिक वेस्ट चरखी का निर्माण कराया गया है। ये चरखा विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक वेस्ट निर्मित चरखा है जो 14 फुट ऊंचा, 20 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा है। इसका भार 1650 किलोग्राम है। इस चरखे के निर्माण में 1250 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग किया गया है। 1 अक्टूबर को भाजपा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, गौतम बुद्ध नगर एवं पंकज सिंह, भाजपा विधायक नोएडा के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट चरखा का रोपण किया जाएगा। अक्टूबर गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में गौतम बुद्ध नगर को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का संकल्प जताया गया है। इसी श्रृंखला में सेक्टर 94 में महामाया फ्लाईओवर के समीप प्लास्टिक वेस्ट चरखी का निर्माण कराया गया है। ये चरखा विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक वेस्ट निर्मित चरखा है जो 14 फुट ऊंचा, 20 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा है। इसका भार 1650 किलोग्राम है। इस चरखे के निर्माण में 1250 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग किया गया है। 1 अक्टूबर को भाजपा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, गौतम बुद्ध नगर एवं पंकज सिंह, भाजपा विधायक नोएडा के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट चरखा का रोपण किया जाएगा। अक्टूबर गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में गौतम बुद्ध नगर को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का संकल्प जताया गया है। इसी श्रृंखला में सेक्टर 94 में महामाया फ्लाईओवर के समीप प्लास्टिक वेस्ट चरखी का निर्माण कराया गया है। ये चरखा विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक वेस्ट निर्मित चरखा है जो 14 फुट ऊंचा, 20 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा है। इसका भार 1650 किलोग्राम है। इस चरखे के निर्माण में 1250 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग किया गया है। 1 अक्टूबर को भाजपा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, गौतम बुद्ध नगर एवं पंकज सिंह, भाजपा विधायक नोएडा के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट चरखा का रोपण किया जाएगा।